Citylive, a platform to sharing your thoughts. Is interest of interest, but it's not just that people just want to share their knowledge and have a talk here and then leave. I think we all need. इंटरनेट से पूरी दुनिया सिमट कर बेहद करीब आ गई है. विश्व इंटरनेट के कारण एक ग्लोबल ब्लेज की तरह नज़र आता है. इससे सूचनाएं आदान प्रदान करना बेहद आसान हुआ है, लेकिन इसके साथ ही चुनौती भी है कि अपनी सूचनाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाले हैकर्स कई बार अपनी सूचनाओं को लीक करते हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा के लिए फिक्की की ओर से साइबर कॉम 2020 का आयोजन किया जा रहा है. इसमें आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोग, साथ ही पुलिस अधिकारी और कई विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. क्या चर्चा है इसमें और किस तरह से साइबर क्राइम से निपटा जा सकता है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं विशेषज्ञ. ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है साइबर क्राइम में. इसकी बुनियाद ये है कि साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं है. सामान्य क्राइम्स की एक ज्यूरिडिक्शन होती है, एक बाउंड्री होती है, एक जगह होती है, जबकि साइबर क्राइम के अंदर बाउंड्रीलेस क्राइम के रूप में हम उसको देखते हैं. तो नेशनल लेवल पर एक तो CBI को कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाया जा रहा है, और सेकंड जो है वो MHA लेवल पर साइबर क्राइम पोर्टल शुरू किया है, जो कि सभी स्टेट से जुड़ा है. तो cybercrime.gov.in पे है. अगर आप कोई भी तरह का साइबर क्राइम रिपोर्ट करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स अगर आपको मिलेगा जो पहले नहीं हो सकता, यानी थाने स्तर से उठ के ये सीधे नेशनल लेवल पर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया गया. तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव अभी यही है. अवेयरनेस जो है और थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है. ये खाली जो बाउंड्रीलेस चीज़ें हैं ये खाली साइबर के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ट्रेड में भी होती हैं, आपको व्यापार करते हैं उसमें भी होती हैं, आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है. दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप किसी भी आदमी को, अनजान आदमी को, आप अपने घर में घुसने नहीं देते हैं, अपने व्यापार के अंदर घुसने नहीं देते हैं, घर लॉक रखते हैं. ये हमको सैकड़ों सालों से सिखाया गया है परिवार के अंदर, लेकिन हमको अभी सिखाना पड़ेगा ये चीज़ सिम कंप्यूटर के लिए भी और फ़ोन के लिए भी, कि हमारे फ़ोन में और हमारे कंप्यूटर में एक अनजान आदमी ना घुस पाए. उसके लिए हमको अवेयरनेस होनी चाहिए. उसको लॉक कैसे रखना है, उसके लिए एक सामान्य तरीके से घर के लिए ताले बने हुए हैं, छक्कनी बनी हुई है, डिजिटल लॉक्स बने हुए हैं, उनके लिए हमको फ़ोन के लिए क्या करना है, इसकी भी अवेयरनेस हमारे को होनी चाहिए. हम ऐसा मानते हैं कि फ़ोन मेरे हाथ में है, पासवर्ड इसमें डाल रखा है, इससे प्रोटेक्शन हो गया, शायद नहीं, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है. तो दो तीन चीज़ें हैं जो एक आम आदमी राजस्थान के लिए और बाहर के लिए, अगर हम बात करें, कोई भी मोबाइल पे ऐप डालें तो एक तो अननोन जगह से ना डालें, ऐप स्टोर से ही डालें, जिससे कि एक अननोन आदमी जो है आपका एक्सेस ना ले पाए. तो लोग APK इंस्टॉल करवाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, उसको कतई ही ना करें, कोई सिक्योरिटी सेटिंग को वीक करके ऐप इंस्टॉल ना करें. दूसरी बात, अगर ऐप इंस्टॉल करें ऐप स्टोर से भी, तो कोशिश करें किसी रेपूटेड सर्विस प्रोवाइडर या रेपूटेड कंपनी की ही ऐप हो. एक अननोन आदमी की ऐप जो कुछ 10-20-50-100 ऐप इंस्टॉल हुई हैं, उसकी ऐप आप इंस्टॉल ना करें. और अगर आपने वो इंस्टॉल भी की है तो उसको किसी तरीके का अपने फ़ोन में राइट ना दें. ऐप राइट्स मांगती हैं कि मैं आपका SMS पढ़ सकता हूँ, मैं आपका कॉल लैग पढ़ सकता हूँ, मैं आपका स्टोरेज पढ़ सकता हूँ. तो आप जानिए कि अगर कोई ऐप आपका SMS पढ़ सकती है तो आपका OTP भी पढ़ सकती है. आपसे मांगने की दरकार क्या बची उस ऐप को, वो आपका ऐप पढ़ रही है, SMS पढ़ रही है, OTP आएगा उसके पास पहुँच जाएगा, वो डाल लेगा. आपको सोच रहे हैं कि OTP मेरा सिक्योर है, लेकिन नहीं है. तो आज आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अपने फ़ोन में जाइए, उसमें देखिए कि आपने किस किस ऐप को SMS पढ़ने की सुविधा दी हुई है. क्या उसको चाहिए, अगर चाहिए तो दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो बैंक की ऐप के अलावा मेरे हिसाब से किसी भी ऐप को वो सुविधा नहीं होनी चाहिए. उसका कोई मतलब नहीं है. आप पढ़ करके डाल सकते हैं, पर उसका सिर्फ ऐप इसलिए मांगती है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी OTP पढ़ के सीधी की सीधी ऐप में डाल दें, सुविधा के नाम पे दे दें, लेकिन वो डेंजर भी है, वो पढ़ रही है आपकी, सारे SMS पढ़ रही है. तो क्या हम नहीं डाल सकते SMS पढ़ करके? हम डाल सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षा हो जाएगी बहुत बड़ी. आप ये मानेंगे कि आपका अगर 2-factor अकाउंट में है तो वो 2-factor रियल में आपके लिए काम कर रहा है, कोई दूसरे आदमी को आपके OTP का एक्सेस नहीं है. दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है रिमोट एक्सेस की ऐप्स. टीम व्यूवर टाइप की ऐप्स हैं, रिमोट एक्सेस की ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन का रिमोट एक्सेस ले लेती हैं. मतलब आपकी फ़ोन का मैं कहीं से भी बैठ के आपकी स्क्रीन एक्सेस कर सकता हूँ. तो मेरे को आपसे क्या मांगना है, फिर तो मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ आपका फ़ोन.
तो आप रिमोट एक्सेस की ऐप्स जो हैं उनको भी आप ट्रेस कर सकते हैं और उनको आप हटाएं, अपने फ़ोन पे ना रखें। जब भी ज़रूरत हो कभी आपको रिमोट एक्सेस की देने की किसी को सपोर्ट के लिए किसी काम के लिए, इंस्टॉल करें बकायदा, लेकिन उसका काम ख़त्म होते ही अनइंस्टॉल कर दें उसको, उसको अपने फ़ोन पर ना रखें। फ़ोन को ज़रा लगातार वॉच रखें, कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्टेड रखें, कैप अपडेट रखें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ना खरीदें, रूट ना करें अपने फ़ोन्स को। कुछ सारी सुविधाएं हैं जो हर आदमी को करनी चाहिए जिससे हम पूरे डिजिटल राजस्थान, डिजिटल इंडिया बना पाएंगे, नहीं तो हमारा सिक्योर्ड इंडिया, सिक्योर राजस्थान बना पाएंगे, नहीं तो डिजिटल इंडिया में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं रहने वाली हैं। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।